राजस्थान भरतपुर डी डी की हरिजन बस्ती स्थित वाल्मीकि समाज के मंदिर परिसर में एक साइड से दीवार न होने के कारण आवारा पशु इस मंदिर के अंदर विचरण करते हैं, जिसको लेकर समाज के लोगों ने नगर पालिका की चेयरमैन मोनिका मुथुरिया को ज्ञापन देकर दीवार बनाने की मांग की थी, जिसको नगर पालिका द्वारा आज तक नहीं बनवाया गया, जिस पर आज महिला मोर्चा की अध्यक्ष मोनिका जैन ममता गुप्ता अपनी सखी संगठन को लेकर सर्व समाज की ओर से मंदिर की दीवार बनाने के लिए पैसा एकत्रित कर मंदिर की दीवार बनाने का खुद ही बीड़ा उठाया, जिसमें स्वयं अध्यक्ष मोनिका जैन सखी संगठन और समाज के लोग बच्चे सहित खुद ही मेहनत मजदूरी कर दीवार को बनाने का कार्य करने लगे, जिससे देख भारी भीड़ एकत्रित हो गई और डीग नगर पालिका को कोसने लगी। आज की मंदिर की दीवार का मामला है, इस मंदिर में दीवार टूटी हुई दीवार नहीं थी, जिससे आवारा पशु सुअर आदि मंदिर में घुस जाते थे। तो इस समस्या का वाल्मीकि समाज ने हमको बताया, हम यहाँ चेयरमैन को लेके आए। चेयरमैन ने 7 दिन में इस दीवार को बनाने का आश्वासन पूरे वाल्मीकि समाज को दिया, लेकिन चेयरमैन अपने वादे से मुकर गया और उसने इस यहाँ की जनता का दिल तोड़ा। तो ये बीड़ा हम लोगों ने उठाया कि सब समाज मिलकर आज इस वाल्मीकि समाज के मंदिर की दीवार को हम खड़ा करेंगे, जिससे आवारा पशुओं का मंदिर में आगमन कम हो। और आज सब जन सहयोग के द्वारा ये दीवार आज खड़ी हो रही है, पूरी जनता का और हर समाज का आज इस दीवार को बनाने में पूरा पूरा सहयोग है। खबर जगत 24 से अजय विद्यार्थी की रिपोर्ट।